जगतार सिंघावाला दे वल्लों कौमी इंसाफ मोर्चे नूं एक चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी विच कहा गया है कि इस मोर्चे दे विच बेदबिया दी गल कीती जावे, लापता सरूपा ते बंदी सिंघां दी होवे गल। इस मोर्चे दे विच इस तिन्नां चीज़ां दी गल करन दा जिक्र जो है जगतार सिंघावाला दी चिट्ठी विच देखण नूं मिलिया है। और कहा गया है कि मंच तो किसी भी तरह की दूषणबाजी तो परहेज किया जाए, अनुशासन ते मर्यादा वाला जाबता कायम रख्या जाए और मोर्चे लई सिख नौजवान सुचेत रहन। तो जेल विचों जगतार हवारा दे वल्लों इंसाफ मोर्चे नूं एक चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी दे विच कहा गया है कि बेदबियां, लापता सरूपा ते बंदी सिंघां दी रिहाई दी इस मोर्चे दे विच गल होनी चाहीदी है। नाल ही कहा है कि मंच तो किसी भी तरह की दूषणबाजी जिहड़ी है ना की जाए, दूषणबाजी तो परहेज किया जाए। तो नाल ही कहा गया है कि अनुशासन ते मर्यादा वाला जाबता जो है इस इंसाफ मोर्चे दे विच कायम रख्या जाए। नाल उन्हां दे वल्लों भी आ गल आखी गई है कि मोर्चे दे विच सिख नौजवानों जिहड़ी है सुचेत रहने की गल की जा रही है। उन्होंने कहना है कि मोर्चे को ढाल लाने की कोशिश जिहड़ी है वो की जा रही है, पर सिख नौजवान सुचेत रह। तो चिट्ठी जो है जेल के जगतार सिंह हवारा के वल्लों कौमी इंसाफ मोर्चे को लिखी गई है। दमन मेरे सहयोगी साढ़े नाल फोन लाइन से मौजूद ने। दमन, एक चिट्ठी लिखी गई है जगतार सिंह हवारा के वल्लों इंसाफ मोर्चे। बिल्कुल, देखो अनु, जिस तरीके दे नाल कौमी इंसाफ मोर्चा चल रहा है, जिस तरीके दे नाल इस दे नाल जथेबंदियां जुड़दियां जा रही ने, तो उस तरीके दे नाल शरारती अफसर भी कितने कितने इस कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच दाखल हो रहे हैं। क्योंकि एक तस्वीर दो दिन पहले ही सामने आई है जिसके एक शक्की व्यक्ति जो फड़िया गया, तो उसके कई सिमां ते कई मोबाइल जिहड़े ने उस तों बरामद भी होए ने। कि उसके उपर सीधे तौर पर कह सकदा कि यह भी खर्चा जताया जा रहा है कि इस कौमी इंसाफ मोर्चे को ढाल लाने की कोशिश की जा रही है। और उस विचाले जगतार सिंह हवारा की चिट्ठी सामने आना जिसके जगतार सिंह हवारा सतर्क रहने की गल भी कर रहे हैं, जिसके जिक्र कर रहे थे कि सिख जिहड़े ने ठीक रहन, जिस तरीके दे नाल अपनी सांभ संभाल करन, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि सिख नौजवानों को निशाने बनाया जाता है किसी ना किसी, तो सतर्क रहने की कोशिश की गई। और सीधे तौर पर देखो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसके जगतार सिंह तारा और परमजीत सिंह भ्योरा के वलों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जाता है कि इस मोर्चे के कई शरारती बंदे भी जिहड़े ने शामिल हुए हैं। तो उस कह रहे हैं कि कौमी इंसाफ मोर्चे में जगतार सिंह हवारा की चिट्ठी का होना इसका मतलब कि जिस तरीके इस ढाल लाने की कोशिश की जा रही है या बयानबाजियों के इस खंगाल खिंचन की कोशिश की जा रही है, तो उसको परहेज किया जाए। सीधे तौर पर मंग जगतार सिंह हवारा जो कि बंदी सिंह ने जिसकी रिहाई की मंग लगातार जिहड़े सिंह कर रहे हैं, वो लगातार ये मंग कर रहे हैं कि हुण इसकी जाबता बना के रखा जाए और इस तरीके किसी भी शरारती व्यक्ति को दस दिए कि हवारा दे वल्लों इंसाफ मोर्चे दे नाम चिट्ठी लिखी गई है और कहा गया है कि बेदबियां, लापता सरूपा ते बंदी सिंघां दी रिहाई ते मोर्चे दे विच गल होवे, ते नाल ही मंच तो किसी भी तरह की दूषणबाजी करन तो परहेज जिहड़ा है करन दी गल आखी है चिट्ठी दे विच। नाल ही कहा है कि अनुशासन ते मर्यादा वाला जाबता कायम रख्या जावे और मोर्चे दे लई सिख नौजवान सुचेत रहण।